Alright, hey guys, what's up everybody, this side Pirate XP, I'm back with another exciting tutorial और आज मैं बात करूँगा आपसे क्लॉब के नेबुला या स्पेस स्काई स्टार्स जो भी आपको नेम करना है उस हिसाब के ट्यूटोरियल की बात कर रहा हूँ मैं जो उसने लेटेस्ट फोटो अपलोड करी है। तो बहुत दिन से मैंने ट्यूटोरियल भी नहीं पोस्ट करे थे, थोड़ा काम में बिजी था सो इसलिए, लेकिन अब बैक टू बैक ट्यूटोरियल्स आते रहेंगे और आप देखते रहेंगे बार बार ट्यूटोरियल। सो जो मेरी फ़ोटो है वो ये है स्टार्टिंग की, मैंने एक ऐसे रफ शॉट लिया है और फिर एक मैंने ब्लब के साथ लिया है, मैंने जस्ट ट्राईपॉड के अंदर फंसा रखा है, मेरे को कोई स्टैंड नहीं था अप्रोप्रिएट, ये फ़ोन का है, फ़ोन होल्डर का है, ट्राईपॉड में लगने वाला, जस्ट मैंने उसी में ब्लब फंसा दिया था, ऊपर से और नीचे होल्डर लगा दिया। सो ये करा था और फिर उसके बाद क्योंकि मेरे को ये एरिया जो है ये भी चाहिए था फ़ोटो में, तो मैंने जस्ट सिंपल लाइट को नीचे करा और ऐसे ही क्लिक कर लिया, क्योंकि बाद में मैं इतना एरिया मास्क करके यहाँ पे लगा सकता हूँ कि ये बल्ब हट जाए, ठीक है। सो अब मैं आपको फोटोशॉप में एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने क्या बनाया है। सो स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल के साथ। सो यहाँ पे ये फ़ोटो खुल चुकी है, आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने नेबुला टाइप एडिटिंग करी हुई है और ये कुछ ऐसे दिखेगा। स्टार्ट में हम ऐसे थे, ये रख सकते हैं स्टार्ट। सो आफ्टर एडिट ऐसी आई है। सो इसका बेसिक लॉजिक और PNGs जो आपको चाहिए होती हैं सो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा कि ये आप नेबुला डायरेक्ट अपने जो भी लोग पिक्सआर्ट चलाते हैं तो आपको डायरेक्ट बस PNG डालनी है और कुछ नहीं करना है, बस वो अपने आप को बल्ब को हटाना है बस पैच टूल से और कुछ नहीं करना। सो ये मैं PNG आप सबके लिए पिक्सआर्ट यूज़र के लिए भी दे दूँगा, सो आपको ईज रहेगा उससे, इनकी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो मैं डिस्कस कर देता हूँ ये पूरी पार्ट को कैसे करा था मैंने। सो जो मैंने पैच की बात करी थी यहाँ पे, मैंने ये पैच कर रखी है अपनी शर्ट, लेकिन आपको लगेगा नहीं यहाँ पे पैच हो रखा है, थोड़ा बहुत 19-20 करके और फिर कर्व डाल के मैंने पूरा ब्लेंड इन कर रखा था अच्छे से। सो फिर मैंने कर्व डाला, कर्व इसलिए डाला है कि बेसिक लॉजिक था यहाँ पे कि एक चीज़ ग्लो तभी होगी जब उसके डार्क पार्ट होंगे, अगर मैं ब्राइट में ही एडिट कर दूंगा यहाँ पे तो हर चीज़ ब्राइट है इसमें, सो हर चीज़ ब्राइट मुझे चाहिए नहीं होती है, मेरे को बस अपने हैंड के पास ब्राइट चाहिए था, सो मैंने वहीं पे ही डाला है, तो इतना हुआ था। फिर उसके बाद मैंने प्लेस करा ये फ्लेयर, शॉक वेव बोलते हैं इसे, आप नेट पे लिखेंगे तो आपको भी ये मिल जाएगी अगर आप खुद डाउनलोड करके PNG रखना चाहते हैं तो ये शॉक वेव आएगी। फिर इसके बाद इनसाइड मैंने एक नेबुला प्लेस करा था और इसके लिए कुछ नहीं, आफ्टर इफेक्ट्स पार्टिकल्स लिखे थे मैंने तो ये आ गया था, ये सब मैं डाउनलोड लिंक दूंगा इसके नीचे। सबसे पहले आपको मेरे को इंस्टाग्राम पे जाना होगा और वहाँ पे DM करना होगा क्योंकि YouTube कॉपीराइट की वजह से ये लिंक हटा दे रहा है, तो पिछली वीडियोस में भी जो भी थे डाउनलोड चीज़ें तो वो सब भी हट गए हैं, तो आप सब मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर देना, मैं आपको मीडियाफायर की लिंक दे दूंगा कि उससे कोई डाउनलोड में प्रॉब्लम भी नहीं होती और स्पीड भी ड्रॉप नहीं होती है डाउनलोड में। अगर आपको कोई और डाउनलोडिंग के लिए भी सोर्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपके लिए उस साइट पर भी अपलोड करके आपको प्रोवाइड करा दूंगा। सो यहाँ ये नेबुला प्लेस कर रखा है, फिर उसके बाद मैंने जस्ट एक स्क्रीन मोड पे पेंट कर रखा है एक सिंपल ओपेसिटी ब्रश के साथ, जैसे ये है तो आपने ये ले लेना है, ब्रश करना है और फ्लो को 9 पे रख के जस्ट एक क्लिक करना है ऐसे, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ ये हो गया है, और फिर जैसे आप स्क्रीन में करेंगे तो आपको ये एक पॉप सा कलर मिल जाएगा, ठीक है। सो ये आपके अकॉर्डिंग है कि आपको कैसा कलर चाहिए, मेरे को थोड़ा फेडेड चाहिए था तो मैंने यहाँ फेडेड रखा है, ठीक है। और फिर सेम मैंने ऊपर एक और रिपीट करा है जो जिसमें मैंने बहुत ही बड़ा कर दिया था, इतना ब्रश अराउंड इतना साइज़ रखना है अपने ब्रश का, इतना रख के जब आप प्लेसिंग करें तो आपका सही आएगा आउटपुट, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ से इसमें अंडरलाइन लेयर में हल्का सा कर देना, क्योंकि ये देखिए अगर ऐसा रहता है फ्लैट तो बेकार लगेगा, अब थोड़ा ब्लैक्स के साथ वो मिक्स हो रहा है देखिए, तो वो ब्लेंड इन लग रही है चीज़, ऐसे ऊपर से डाली हुई चीज़ नहीं लग रही है। सो यही एक कॉमन सा थोड़ा कॉमन सेंस वाला टेक्निक है,
और फिर उसके बाद मैंने ये पार्टिकल्स डाले हैं छोटे छोटे, अगर ये भी मैं PNG में इंक्लूड कर दूंगा, ये पूरा सेट होगा जिसमें आपको ये पूरा पार्टिकल के साथ मिलेगा और जस्ट आपको प्लेस करना होगा हाथ के ऊपर। और फिर मैंने एक स्टैम्प लेयर बनाई है और जिसमें लिक्विफाई करा है, आप देख सकते हैं थोड़ी जैकेट वैकेट इधर उधर से मुड़ी उड़ी लग रही थी, इसलिए मैंने उसे थोड़ा सही करा था। और फिर उसके बाद ये जस्ट ऐसी ब्लैंक लेयर है, फिर एक कलर लुकअप डाला था मैंने थोड़ा सा इसको मजेंटा करने के लिए, और कलर लुकअप कुछ होगा नहीं, कैंडल लाइट होगा या हर किसी के फोटोशॉप में होगा। और मैंने यहाँ से ओपेसिटी कम कर दी थी, नहीं तो ज़्यादा करने पे ये कुछ ऐसा दिख रहा था और ये ऐसा दिख रहा था। ये जस्ट कलर अचीव करने के लिए है, आप कुछ भी ट्राई आउट कर सकते हैं यहाँ पे, ये ह्यू सेचुरेशन कलर बैलेंस जो भी आपको चाहिए हो। और फिर उसके बाद ये भी एक ब्लैंक की लेयर है। और फिर यहाँ मैंने कर्व्स से थोड़ा बहुत प्ले कराया है, जो आपको करना पड़ेगा क्योंकि एक ग्लोइंग पार्टिकल्स की एमिशन तभी दिखेगी, मैं आपको बता देता हूँ तब भी। सो यहाँ पे जब आप कर्व को थोड़ा हाई कर दीजिएगा, अगर आप हाई करेंगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, फोटो ऐसी होगी जब आप कर्व हाई करेंगे। फिर आपने मास्क को इन्वर्ट करना है कमांड आई दबा के, इस पे क्लिक करके कमांड आई दबा के जैसे आप करोगे मास्क इन्वर्ट हो जाएगा तो ये टोटल ब्लैक हो जाएगा। और फिर यहाँ से ब्रश लेना है, फ्लो कम करना है और बिल्कुल छोटा कर लेना ब्रश इतना सा। और फिर जहाँ पे भी आपको लाइट दिखे वहाँ पे ऐसे ऐसे पेंट करोगे तो देखिए आपको यहाँ पे अलग सा पॉप इफेक्ट दिख रहा है, ये देखिए, तो वो एज ना ज़्यादा पॉपी दिखेगी, जैसे ये देखिए ये दोनों एज पॉपी दिख रही है, अब मैं हटा दूँ तो नहीं दिख रही है। सो इसी का काम करती है ये कर्व्स में मैं यूज़ करता हूँ, एक हेल्पफुल ट्रिक है, आप भी यूज़ कर सकते हो अगर आप फोटोशॉप में क्रिएशन करते हो लाइक मैट पेंटिंग, तो ये बहुत ही ज़रूरी है, आपको आना चाहिए। और फिर उसके बाद जस्ट मैंने एक स्टैम्प लेयर बनाई थी, और कलर एफेक्ट्स के बारे में मैंने ट्यूटोरियल डाल सकता है, आप वहाँ भी चेक कर लोगे। तो एक कलर एफेक्ट्स यूज़ करा था मैंने यहाँ पे, और फिर एक शार्पनर प्रो कि फ़ोटो शार्प हो जाए। और फिर मैंने ब्लर डाला था यहाँ पे, फिल्टर में गया था ब्लर और मोशन रेडियल ब्लर डाला था। रेडियल में 10 का अमाउंट सेट करना है, स्पिन पे करना है और गुड पे करके ओके दबा देना है, आपको सेम ऐसा एक ब्लरी टाइप से इफेक्ट मिल जाएगा। ये देखिए आप दिख रहा होगा आपको, यहाँ ब्लर नहीं है यहाँ ब्लर है। सो ब्लर से एक अजीब सी एक एनर्जी टाइप सी एमिट होती हुई दिखती है, इसलिए मैंने डाला था। कईयों की प्रेफरेंस होती है कईयों की नहीं होती है, तो यहाँ मेरा बैकग्राउंड पूरा लिट हो गया था कलर एफेक्ट्स की वजह से। सो फिर मैंने एक ब्राइटनेस डाली थी, जस्ट -85 कर दिया, बिल्कुल ऑल ब्लैक हो जाएगा यहाँ पे। और फिर ब्रश लेना है आपने एक लो फ्लो का और जस्ट पेंट करते जाना है करते जाना है, जब तक आपको ऐसा ना लगे कि ये सेंटर्ड बहुत अच्छा है। सो यहाँ ये मेरी फ़ोटो पूरी कंप्लीट हो जाती है, तो यहाँ से मैंने स्टार्ट करा था इसे और यहाँ पे एंड करा है। सो थैंक यू गाइज इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, PS3 डाउन डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके पूरा चेक कर सकते हैं। PNG लिंक भी इंक्लूडेड होगी डाउन डिस्क्रिप्शन में, लेकिन आपको DM करना पड़ेगा मुझे इंस्टाग्राम पे, तभी मैं आपको भेज सकता हूँ। वहाँ पे आपको मेरे को ईमेल ID देनी होगी, मैं थोड़ी देर में ही आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा उस चीज़ का। सो थैंक यू गाइज, और इस चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।